आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अपने छत के गार्डन का टूर करवाना चाहती हूँ। छत पे मैंने एक छोटा सा गार्डन टाइप का बनाया है। यहाँ पर छत पर मैंने ज़्यादातर मदर प्लांट को रखा है मेरे क्रिजेंथेमम्स के, ताकि दूसरी बार मैं उन्हीं को कट करके ढेर सारा नया नया बेबी प्लांट बना पाऊँ। ये देखिए, ये वाइट कलर का पॉम पॉम वाला गुलदाउदी है मेरे पास, बहुत ज़्यादा प्रिटी है ये। ये मेरे पास पिछले साल आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल मैं इनको ज़्यादा नहीं बना पाई। बस एक ही पीस है मेरे पास, ये है येलो वाला तो मेरे पास ढेर सारे है गाइस। यहाँ पर ज़्यादातर मदर प्लांट्स ही है। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जैसे मैंने अपने गुलदाउदी के प्लांट्स को नीचे गार्डन में सजाया है अपने आंगन में, उसी तरीके से मैंने अपने छत में भी इनको सजाया है। ये है ऑरेंज वाला गुलदाउदी, देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसमें अभी बहुत सारी कलियाँ बाकी है खिलने। ये भी मेरे पास दो या फिर एक ही पीस है, तो इन्हें भी संभाल के रखना है। ये मेरे पास 4 से लेकर 5 तक है, और ये तो ढेर सारे है गाइस। ये देखिए येलो वाले बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर अभी फूल दे रहे हैं। तो अभी गुलदाउदी का सीज़न है, जेरेनियम सारे फूलों का सीज़न अभी स्टार्ट हो गया है, तो आप तरह तरह की फूलों को बाज़ार से खरीद के ला सकते हैं। देखिए ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इनको हमने छोटे से प्लास्टिक बैग में लगाया है, और जिनका प्लांट बड़ा है, जिनके ब्रांचेस और मतलब कि ज़्यादा बड़े हैं साइज़ में, उनको बड़े से प्लास्टिक में लगाया था। 6-7 महीने पहले हमने इनकी कटिंग की थी, और कटिंग करते समय भी मैंने वीडियो बनाया था। आई होप कि आप लोगों को याद होगा, मैं हमेशा इन सब का अपडेट देती रहती थी आप लोगों को। देखिए कितना ज़्यादा अभी अच्छे से फूल खिल रहा है इन सब में। और ये है सदाबहार, ये है चाइनीज़ मनी प्लांट। यहाँ पर हमने इस तरह से सजा के रखा है। यहाँ पर धूप भी आती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हल्की सी धूप आ रही है, ज़्यादा धूप नहीं है। अभी सुबह का समय है, और अभी तो सर्दी का मौसम है, तो धूप ज़्यादा तगड़ी नहीं रहती, हमेशा बस ऐसी ही रहती है सुबह से लेकर शाम तक। देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है मेरा छत। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिली के पौधे भी हैं, छोटे छोटे हैं गाइस। लिली के फ्लावर भी बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। ये गुलदाउदी खिलने के बाद थोड़े बड़े हो जाते हैं, और अप्रैल के मंथ में खिलते हैं। ये बेगोनिया एक ही है मेरे पास, एक ही रह गया। बहुत सारे थे, लेकिन रेनी सीजन में मैं इनको बचा ना पाई। और ये है कॉक्सकॉम्ब, अभी भी खिल रहे हैं। ये कॉक्सकॉम्ब की जो फ्लावर होते हैं वो 2 से 3 महीने तक आराम से टिक जाते हैं, जैसे गॉम्फ्रेना होते हैं उसी तरीके से ये भी बहुत लंबे समय तक रुकते हैं। देखिए कब से खिले हुए हैं, लेकिन अभी भी ये जैसे कि वैसे ही है। ये देखिए गाइस, ये जो मदर प्लांट है इनकी हम केयरिंग इस तरह से करते हैं, जो भी सूखे पत्ते होते हैं, डैमेज्ड पार्ट होते हैं, उनको हमने इस तरह से अलग कर लेना है। इनमें तो अभी भी कली है गाइस, इनमें फूल नहीं खिला है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा खिलने में। तो इस तरह से इनकी केयरिंग करती रहनी है, जो भी डैमेज पार्ट है आप उनको निकाल के फेंक दें, चाहे वो सूखा हुआ पत्ता हो या कोई भी टूटा हुआ ब्रांच। हमने गाइस कोई भी जो मार्केट का फर्टिलाइज़र होता है केमिकल वाला, उसका इस्तेमाल नहीं किया है। इन सारे गुलदाउदी के फूलों में बस अपना नेचुरल ऑर्गेनिक गाय का गोबर का ही इस्तेमाल किया है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स को हमने लगा के रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ पर हमने डालिया को भी लगाया है गाइस। यहाँ पर ये देखिए रेड कलर का कैलेंचो भी है, डबल वाला, डबल पेटल्स वाला है। ये है डबल पेटल्स वाला बेगुनिया। बेगुनिया के प्लांट्स और ये सारे छोटे छोटे प्लांट्स को हमने छत पे ऐसे रखा है। इनको बार बार पानी देना पड़ता है और धूप में निकालना पड़ता है, और नीचे स्पेस नहीं है गाइस। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे घर में गाय भी है, तो अगर इनको मैं नीचे रखूंगी तो कभी ऐसा हो जाएगा कि कोई गाय बाहर आ जाए और इनको खा जाए, तो इसीलिए छत के ऊपर इनको सेफ रखा है।
सो ये रहा मेरे मतलब कि गुलदाउदी जिनको मैंने छत पे रखा है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आप लोगों को मैं अपने छत का भी गार्डन का टूर करवाऊंगी, छोटा सा है लेकिन आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ये देखिए गाइस, ये इस तरह से ब्रांचेस जो देते हैं इन्हीं को आप कटिंग करके लगा सकते हैं आराम से और दूसरी बार ढेर सारा बना सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लुक है। सो ये है येलो वाला मदर प्लांट। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप लोग मुझे इसी तरह से प्यार देते रहिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे जानकारी वाले वीडियो लाती रहूँगी। सो मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ, लव यू ऑल।